हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं हीरी सॉन्ग के बारे में। सो इसके इजी से तुम्हें कॉर्ड्स बताऊंगा, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए कॉर्नर पड़ा तुम्हारा गिटार उठा लो एंड लेट्स बिगिन। बट द कॉर्ड्स की तरफ, कॉर्ड्स तुम्हारे रहने वाले हैं ई माइनर, दिस इज ई माइनर। The next chord is D major and this is D major. Our next chord is C major and this is C major. So yes, these are your basic three chords. और मैं तुम्हें जल्दी से बताता हूँ कि तुम्हारी strumming क्या रहने वाली है। So your strumming will be down, up, up, down, up, up, down, 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 down, up, up, down, up, up, down. So this is your basic strumming. और अब तुम original scale पे गाना चाहते हो इस गाने को, तब तुम्हें लगेगा एक कैपो। कैपो को प्लेस करना तुम सेकंड फ्रेट पे और यहाँ पे सेम कॉर्ड्स प्ले करना, तुम्हारा ओरिजिनल स्केल पे ये गाना हो जाएगा। और अगर लो पे गाना चाहते हो तो कैपो को फर्स्ट पे लगाओ या बिना कैपो के गाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। सो यस, दिस इज योर बेसिक कॉर्ड्स इन स्ट्रमिंग। और मैं तुम्हें जल्दी से थोड़ा सा गा के बता देता हूँ गाना कैसे प्रोसीड करेगा। सो लेट्स बिगिन। एंड अगेन, ये गाना मुझे अच्छे से आता नहीं है तो मैं दो लाइनें गाऊंगा जो भी मुझे आती हैं, तो तुम कॉम्प्रोमाइज कर लेना। वैसे ही तुम लास्ट तक पूरा गाना प्रोसीड कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। लाइक दिस, इस गाने को तुम पूरा प्रोसीड कर सकते हो। सो होपफुली तुम्हारी कुछ हेल्प हुई मेरी वीडियो से। अगर हेल्प हुई है तो तुम मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो सब्सक्राइब बटन क्लिक करके। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आई सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।